आम किसानों से लेकर अंगूर के किसानों तक हर एक किसान को जिब्रेलिक एसिड मालूम है। शायद ही कोई किसान होगा जिसको जिब्रेलिक एसिड मालूम नहीं होगा। फिर भी इस वीडियो में हम जिब्रेलिक एसिड के बारे में बारीकी से बताएंगे। शायद कुछ बातें आपको मालूम भी होगी और कुछ नहीं, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। जिब्रेलिक एसिड को संक्षिप्त में जीए भी कहते हैं। वीडियो में आगे जिब्रेलिक एसिड की जगह हम जीए शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में हम जीए का संशोधन कहां और कैसे हुआ था यह जानेंगे। जीए के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, जीए का सभी फसलों एवं बगीचे में सही से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए यह जानेंगे। जीए का काम कैसे करता है, जीए का पीपीएम शेड्यूल क्या होता है और अंत में होगी आज की खास बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जीए एक प्लांट हार्मोन है जिसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और सेल को लंबा करता है। जीए लगभग 130 प्रकार के आते हैं, जिसे GA1, GA2, GA3, GA4 ऐसे नंबर दिए गए, जिसमें से ज्यादातर GA3 और GA4 का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मार्केट में जो सुमितोमो कंपनी का प्रोजीब आता है, जो धीमे गति से रिजल्ट दिखाता है, और बाकी कंपनी का जीए आता है उसके रिजल्ट दूसरे दिन से ही आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो मार्केट में सभी प्रकार के जीए पाउडर फॉर्म में आते हैं, लेकिन सुमितोमो कंपनी का हुशी ही है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है। अब जानते हैं आखिर जीए का संशोधन आखिर हुआ कैसे। जापान में सन 1926 में धान की फसल हमेशा से ज्यादा बढ़ने के कारण जमीन पर गिरने लगी, जिससे फसल खराब होकर ज्यादा नुकसान भी होने लगा था। इस समस्या का कारण ढूंढते ढूंढते जापानियों को धान की फसल पर जिब्रेला फ्यूजिकोरा नामक फंगस मिल गई, जिससे जिब्रेलिक एसिड तैयार होता था। जे के इस गुण को उन्होंने बाकी फसलों में इस्तेमाल करके देखा तो जापानियों को अच्छे से रिजल्ट मिलने लगे, और वहीं से जे का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया जाने लगा। जे और पीपीएम का क्या होता है उसे जानने से पहले जे का इस्तेमाल कहाँ होता है यह हम जानते हैं। जब किसी भी फसल में फ्लावरिंग में फलों की संख्या कम करना बहुत मुश्किल होता है मैन्युअली, तब यही मुश्किल काम आसान करता है जे। जिन फसलों में फ्लावरिंग एक जैसी नहीं होती है उस फसल में यह तकनीक बहुत काम की है। हमारे अंगूर में हम इसी तकनीक से फूलों की सेटिंग कम कर फूलों की संख्या नियंत्रित करते हैं। इसे केमिकल थिनिंग भी कहते हैं। जे वनस्पति के मृत अवशेषों को जलद गति से विघटन भी करता है। जे को हम बीज प्रक्रिया में इस्तेमाल कर बीजों के जर्मिनेशन पावर को भी बढ़ा सकते हैं। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में जर्मिनेशन के लिए समस्या आती है तो वहाँ जीए की बीज प्रक्रिया यानी सीड ट्रीटमेंट अच्छी रहेगी। जीए की एक और खासियत यह है कि जीए बीजों को आकार नग के बराबर कर देता है। बड़े बीजों के कारण कुछ फलों में गुणवत्ता की कमी हो जाती है, वहाँ जीए का इस्तेमाल कर बीजों का आकार छोटा कर हम फलों की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं। अधिक तान तनाव से पौधों में एब्सेसिक एसिड नामक स्ट्रेस हार्मोन तैयार होता है। इस हार्मोन का प्रभाव कम करने के लिए भी जीए का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पत्तियों का आकार भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंटरनोड की लंबाई भी बढ़ती है। और ये टहनियों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, जिसे एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं। ये अंगूर में साइज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ में कैप्सूल वैरायटी में सेल इलोंगेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
ये खरपतवार नाशक के साथ मिलाकर तनों को नियंत्रण करने में भी मददगार साबित हो रहा है। जौ और गेहूं जैसी फसलों में फ्लावरिंग शुरू होने से पहले जीए का स्प्रे ले, जिससे दानों की लंबाई बढ़कर उपज में बढ़ोतरी होती है। पीपीएम क्या है और उसे कैसे निकालते हैं, इससे पहले आज की खास बात। जीए को 6BA CPPU डायमोर आए प्लेनोफिक्स जैसे पीजीआर के साथ फसल के अनुसार और योग्य मात्रा में इस्तेमाल करने से फसल की ग्रोथ दो गुना हो जाती है। लेकिन किस फसल में कौन से हार्मोन का और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, यह हमें हमारे अनुभव से ही निश्चित करना चाहिए। ये किसी भी केमिकल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, इसे किसी भी केमिकल के साथ आप मिला सकते हैं, इसलिए ये का इस्तेमाल बेझिझक आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बिंदास कर सकते हैं। अब यह PPM क्या है यह जानते हैं। PPM मतलब पार्ट पर मिलियन होता है, इसका हिंदी में अर्थ 10 लाख का एक भाग होता है। अब आपने सुना होगा कहीं पे या पढ़ा भी होगा कि 10 PPM का स्प्रे करो, 25 PPM का स्प्रे करो, ये कैसे करते हैं, आइए समझते हैं स्क्रीन पर दिए चार्ट से। अब 10 PPM से 100 लीटर पानी के लिए ये सिर्फ 1 ग्राम लगता है, इस हिसाब से 200 लीटर पानी के लिए जे 2 ग्राम लगेगा, 300 लीटर पानी के लिए 3 ग्राम जे लगेगा। इसी तरह अगर हमें 20 PPM का जे स्प्रे लेना है तो 100 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम जे लगेगा, 200 लीटर पानी के लिए 4 ग्राम जे लगेगा। इसी तरह आप 1000 PPM तक जे कितना ग्राम लेना है यह निकाल सकते हो। और वीडियो में एक बात जो सबसे अहम है, जे पानी में डालकर छिड़काव नहीं कर सकते है, मतलब जे पाउडर पानी में घुलनशील नहीं है, जे एसीटोन में घुलाकर ही स्प्रेइंग के पानी में डाला जा सकता है, तभी स्प्रेइंग में जे के रिजल्ट आ सकते हैं। आपको यदि हमें कोई फोटो या वीडियो भेजना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय जवान जय किसान।